द मिंग और एयर मिंग 1 लाख ईयर्स पुराने पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। यह अफसोस की बात थी जब वे मर गए और तांग सैन के रिंग्स बन गए। हालांकि तब भी यह दिखाया गया था कि उनकी सोल सेव थी, जिसका मतलब है कि उनका पुनर्जन्म हो सकता है। तांग सैन का विक्टिम बनने के बाद एप टाइटन पाइथन बुल रेड रिंग का हिस्सा बन गए। जियोवू, तांग सैन और हम सभी इन बीस्ट की मौत से बहुत दुखी थे। वे जियोवू और तांग सैन के लिए भी फैमिली की तरह थे। इन कैरेक्टर्स को दोबारा देखना बहुत अच्छा है, हालांकि स्पिरिचुअल बीस्ट के रूप में नहीं, वे पहले ही इंसान बन चुके हैं। द मिंग और एयर मिंग का 10,000 साल बाद पुनर्जन्म होगा और यह सब तांग सैन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तांग वुटोंग के महाद्वीप में उतरने के बाद तांग वुटोंग अपनी सुरक्षा के लिए 2 अंगरक्षकों को लेकर आई। वो 2 रक्षक कोई और नहीं बल्कि पुनर्जीवित द मिंग और एयर मिंग है। हालांकि पास्ट में अनहोनी खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, अंततः उन्हें तांग सैन द्वारा पुनर्जीवित किया गया और वे अब मार्शल महाद्वीप में हैं। वे दोनों क्लियर स्काई क्लान के पहले और दूसरे हेड बन गए हैं। हाँ, इतने वर्षों के बाद भी यह क्लान अस्तित्व में है, लेकिन यह अभी भी पूरी दुनिया से छिप कर रह रहा है और व्यावहारिक रूप से किसी के लिए भी दुर्गम है, इसीलिए यहाँ किसी का आना जाना आसान नहीं है। ये 2 स्पिरिचुअल बीस्ट कैसे वापस लौट पाए, वे कितने पावरफुल हो गए हैं, चलिए जानते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक प्लीज से कर देना प्लीज, भाई लोग वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज लाइक माय वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि इन दोनों बीस्ट की सोल और कॉन्शियसनेसेस तांग सान की रिंग में प्रोटेक्टेड थी, इसीलिए जब वह एक गॉड बन गया और डिवाइन रियल्म में चढ़ गया, लेकिन स्वाभाविक रूप से द मिंग और एयर मिंग खुद से भी पुनर्जन्म ले सकते थे और यहाँ तक कि गॉड्स भी बन सकते थे। गॉड किंग तांग सैन महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन इन 2 बीस्ट किंग्स के पास तांग सैन से भी अधिक फ्रीडम है। जब तक वे महाद्वीप में अपनी शक्ति को दबाए रखते हैं, वे स्वतंत्र रूप से ह्यूमन वर्ल्ड में आ और जा सकते हैं। यानी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तांग सैन ने उन्हें अपनी बेटी तांग वुटोंग को ह्यूमन वर्ल्ड में देखने और उसकी रक्षा करने के लिए कहा होगा। द मिंग और एयर मिंग के लिए गॉड रियल्म में एक शांत जीवन छोड़ना भी एक चुनौती है। इससे साबित होता है कि वे जियोवू और तांग सैन से बहुत प्यार करते हैं। यही कारण है कि वे तांग वुटोंग की देखभाल करने के लिए सहमत हुए। बीस्ट के रूप में वे 1 लाख वर्ष पुराने थे। ये मोटे तौर पर रफली एवरेज 95 से 96 लेवल के बीस्ट के बराबर है। हालांकि द मिंग संभवतः टाइटन एप से अधिक मजबूत होगा, और जब मानव रूप में पुनर्जन्म होता है तो उनके पास स्पिरिचुअल पावर है और उनके पास कुछ रैंक्स हो सकते हैं। इस समय बुल पाइथन टाइटल के 99 लेवल पर पहुंच गया और एप टाइटन रैंक 8 लेवल का मास्टर बन गया। सहमत हूं कि उनकी पावर्स पूर्व जीवन की स्थिति से मेल खाती है। उनके रिसरेक्शन बाद उन्हें नए नाम भी मिले, इसलिए वे आधिकारिक तौर पर अब द मिंग और एयर मिंग नहीं बल्कि न्यू तियान और ताई तांग है। अब तक एनीमे सोल लंडन 2 में उन्हें नहीं दिखाया गया है और उनकी उपस्थिति की घोषणा भी नहीं की गई है। हालांकि नॉवल में थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है कि वे मनुष्य के रूप में कैसे दिखते थे। द मिंग यानी तियान लंबा, हृष्ट पुष्ट और अलर्ट था। उसका सिर लंबे ब्लू ग्रीन बालों से भरा था। उसके आंदर से सोलन ऑरा का हमेशा फ्लो रहता था। एयर मिंग या ताई तांग को एक मस्कुलर वेल एज्ड मैन, जो कि 2 मीटर का लंबी कड़का कैरेक्टर बताया गया है। उसका सिर छोटे छोटे नुकीले बाल है और उसका रूप बहुत मैजेस्टिक था, और उसकी आंखें भूरी पीली थी और सुनहरी रोशनी से हल्की सी चमक रही थी। उसका लंबा भूरा वस्त्र उसकी उभरी हुई मस्कुलर बॉडी को छिपा नहीं सका। जब तांग सैन ने अपनी बेटी तांग वुटोंग को महाद्वीप पर उतारा तो उसे इन दोनों को सौंप दिया। वह उन्हें अंकल कहती थी और वे उसके साथ क्लियर स्काई क्लान के यंग मास्टर की तरह व्यवहार करते थे। इसके अलावा ताई तांग और न्यू तियान सोल लैंड 3 और 4 में दिखाई देंगे। उनका तांग सैन के बेटे के साथ भी बहुत करीबी रिश्ता होगा। यह कहा जा सकता है कि एप टाइटन बुल पाइथन एनीमे में इम्पोर्टेंट है। उनके प्रोटेक्शन और गार्डियनशिप में तांग वुटोंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रैंक 98 और 99 के मास्टर्स के रूप में ताई तांग और न्यू तियान के पास संभवतः कुल 9 स्पिरिचुअल रिंग्स हैं। कुछ सोर्सेस के अनुसार उनके पास रेड रिंग भी है। जहां तक उनकी बैटल स्पिरिट का सवाल है, यह क्लियर स्काई हैमर होने की संभावना नहीं है, भले ही वे इस क्लान के प्रमुख बन गए हों। हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि उनकी फाइटिंग स्पिरिट वैसी ही है जैसे कि वे भाग 1 में थी। विशाल एप टाइटन एज्योर बुल पाइथन, यदि कोई निश्चित रूप से जानता है तो कमेंट में लिखें। यह भी डिस्क्राइब है कि भविष्य के भागों में द मिंग और एयर मिंग गॉड्स भी बन गए।
और एयर मिंग का एक पूरा क्लान होगा जिसमें उनके वंशज शामिल होंगे। कुल मिलाकर यह देखकर बहुत संतुष्टि हो रही है कि दा मिंग और एयर मिंग मार्शल कॉन्टिनेंट दो में लौट रहे हैं। और जब जियो वू अपने भाइयों को पुनर्जीवित किया गया था तो वह कितनी खुश थी। तांग सैन ने उन्हें पुनर्जीवित किया था और इसके अलावा वे भविष्य की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आप खुश हैं कि दा मिंग और एयर मिंग बैटल कॉन्टिनेंट दो में दिखाई देंगे तो कमेंट में लिखें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।